मैं जितेंद्र सिंह सिसोदिया, आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय डेगाना। कल हमने इस वीडियो श्रृंखला में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को देखा, जो तो उसका पहला भाग था। आज हम उसके दूसरे भाग को, उससे आगे दूसरे भाग को देखते हैं, और इसमें इसका अगला चरण है सूचनादाता के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रवृत्तियों का चुनाव करना। सामाजिक अनुसंधानकर्ता इस चरण पर आके सूचना के स्रोत का चुनाव करता है, या कह सकते हैं हम निर्धारण कर सकता है। सूचना के स्रोत से तात्पर्य यह है कि जहाँ से उसको सूचनाएं या जानकारियां मिलती हैं, उसको सूचना के स्रोत कहा जाता है। सामान्यतः सूचना के जो स्रोत हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता पहली बार सूचनाओं को एकत्र करता है, यानी इससे पहले उन सूचनाओं को अन्य किसी व्यक्ति ने या अनुसंधानकर्ता ने इकट्ठा नहीं किया हो। वे सूचनाएं प्राथमिक सूचनाएं और प्राथमिक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मान लो अनुसंधानकर्ता अवलोकन के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से या अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा करता है, सूचना को इकट्ठा करता है, तो वे उसके प्राथमिक स्रोत हैं और वो प्राथमिक जानकारी हैं। वहीं यदि अनुसंधानकर्ता द्वितीय स्रोतों के माध्यम से जानकारी एकत्र करता है, तो वे जानकारियाँ जो होती हैं वो द्वितीय जानकारियों के रूप में देखी जाती हैं। द्वितीय स्रोतों के रूप में हम देख सकते हैं जैसे पत्र पत्रिकाएँ, विभिन्न शोध रिपोर्टें, आत्मकथा हैं, अपने जीवन इतिहास है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, डायरियाँ हैं, सरकारी दफ्तरों के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं। ये सभी द्वितीयक जानकारी या द्वितीयक स्रोतों के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ अनुसंधानकर्ता पहले तो इनको डिसाइड करता है, चुनाव करता है कि उसके जो डाटा होंगे, उसकी जो जानकारियाँ होंगी, उसकी जो सूचनाएं होंगी वो प्राथमिक होंगी या द्वितीयक होंगी, या सूचनाएँ प्राथमिक भी होंगी और द्वितीयक भी होंगी। इसके चुनाव के बाद में वह अध्ययन के उपकरण और प्रविधियों का चुनाव भी करता है, यानी हमारी सूचनादाता किस प्रकृति के हैं, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उसको होता है कि वो अपने उपकरण या प्रविधियां जिनके माध्यम से उसको तथ्यों को इकट्ठा करना है, जानकारी एकत्र करना है, उनका चुनाव करे। क्योंकि यहाँ यह आवश्यक होता है कि जब तक वह अपने उत्तरदाताओं की प्रकृति को नहीं समझेगा और उनके अनुरूप वह उपकरणों का चुनाव नहीं करेगा, प्रविधियों का चुनाव नहीं करेगा, तो हमारी जो सूचना है जो हमको इकट्ठी करनी है, संकलित करनी है, वह पूर्ण नहीं होगी। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मान लो हमने प्रविधि के रूप में प्रश्नावली का चुनाव कर लिया। प्रश्नावली के माध्यम से हम कोई तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, सूचना एकत्र कर रहे हैं, और हमारे जो उत्तरदाता हैं, हमारे जो सूचनादाता हैं, निरक्षर हैं, तो वहाँ प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करना असंभव होगा। इसलिए अनुसंधानकर्ता को यहाँ आवश्यक होता है कि जब वह सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का चुनाव करे, तो इसके साथ साथ वह अपने सूचनादाताओं की प्रकृति, उनकी योग्यता का भी वह ध्यान में रखे और इनको ध्यान में रखते हुए वह उपकरणों का चुनाव करे। इसे अगला चरण है उपकरण व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण करना। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में इस चरण पर आके हमारी प्रारंभिक तैयारियां लगभग पूरी हो जाती हैं, और प्रारंभिक तैयारी होने के बाद में यहाँ अनुसंधानकर्ता ने जो तैयारियाँ की हैं, जो इन प्रविधियों का चुनाव किया है, जिन उपकरणों का चुनाव किया है, एक तरीके से वो उनका एक परीक्षण करता है, उनकी परीक्षा करता है कि वो कितना कारगर सिद्ध हो रही हैं, वो कितना काम कर रही हैं, वो कितने हमारे अनुरूप, हमारे विषय के अनुरूप, हमारे उद्देश्य के अनुरूप तथ्यों को संकलित करके लेके आ रही हैं। तो इसको यहाँ पूर्व परीक्षण कहा जाता है। इसको हम
यानी लघु शोध के रूप में भी देख सकते हैं कि जब अनुसंधानकर्ता ने अपनी समस्त तैयारियां कर ली तो वह अपने प्रविधियों का परीक्षण करने के लिए वो एक छोटे स्तर पर कुछ छोटा सैंपल ले और उस सैंपल के आधार पर उन प्रविधियों के माध्यम से वह तथ्यों को इकट्ठा करे और तथ्यों को इकट्ठा करके वह देखे, उनका अवलोकन करे, उनका विश्लेषण करे कि क्या वास्तव में हम जो चाह रहे हैं वो सभी सूचना प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि हो रही हैं तो अच्छी बात है, और यदि हमारी उद्देश्य के अनुरूप सूचना प्राप्त नहीं हो रही हैं तो वहाँ प्रविधियों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम संशोधन नहीं करेंगे तो हमको जो सूचना जो मिलेगी हमारे उद्देश्य के अनुरूप नहीं मिलेगी और हमारा जो अंतिम निष्कर्ष है शोध करना वह हमारा निष्फल हो जाएगा। अतः यह भी एक बहुत ही आवश्यक चरण है कि हाँ एक वो अपने जितने भी उसने व्यवस्था की है उसका एक परीक्षण कर ले, एक उसका एक रिहर्सल कर ले, एक जांच करके देख ले कि हमारे जितने भी उपकरण हैं, जितने भी हमारी प्रविधियां हैं, जितने भी हमारे अन्वेषक हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद में अगला चरण है तथ्यों का अवलोकन व संकलन करना। यहाँ अनुसंधान कार्य का वास्तविक कार्य शुरू होता है। इस नौवे चरण पर आके अनुसंधानकर्ता अपने अन्वेषकों के माध्यम से या खुद स्वयं जाकर तथ्यों का अवलोकन करता है और उनको इकट्ठा करता है। अपने जैसा कि हमने देखा हमारे उत्तरदाताओं की प्रकृति किस प्रकार की है, हमारा क्षेत्र किस तरीके का है, उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, उसके अनुरूप हम अपनी विभिन्न प्रविधियों का उसमें प्रयोग करते हैं। उसमें प्रयोग करते हुए हम तथ्यों को संकलित करते हैं, जानकारियों को संकलित करते हैं। इसमें चाहे हम साक्षात्कार के माध्यम से कर रहे हैं या अवलोकन के माध्यम से कर रहे हैं या प्रश्नावली के माध्यम से कर रहे हैं या अनुसूची के माध्यम से कर रहे हैं, ये हमारी सभी यानी तथ्य संकलन की प्रविधियाँ हैं और इन प्रविधियों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता जो है वह अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का संकलन करेगा, एकत्र करेगा। इसके बाद अगला चरण जो है वह है तथ्यों का संकेतन एवं वर्गीकरण करना। इस चरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता जो है उसके पास में एक कह सकते हैं कि सूचनाओं का एक बहुत बड़ा ढेर मात्र लग गया, बहुत बड़ा उसके पास में संग्रह हो गया। अब उसका काम रहता है कि वह तथ्यों के संकेतन का बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ कर दे। एक कुशल शोधकर्ता एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे एक सजीव मालूम पड़ने लगते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उससे हम बोलने लगते हैं। सर्वप्रथम शोधकर्ता तथ्यों का संपादन करता है, विभिन्न प्रविधियों द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच करता है, कमियों को दूर करता है, असंगति को दूर करता है, जिससे तथ्यों को एक स्पष्टता वह प्रदान करता है, यह भी कहा जा सकता है। इस स्तर पर आकर अनुसंधानकर्ता अनावश्यक सूचनाओं को निकाल देता है तथा शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में वह जमा लेता है तथा अपने एक हम कह सकते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर, हमारे जो तथ्य एकत्र हुए हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर वह उनका वर्गीकरण करता है। और वर्गीकरण करने के बाद में अगले चरण में वह जब प्रवेश करता है और वो हमारा जो चरण है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन करना। इस स्तर पर आके अनुसंधानकर्ता संकलित तथ्यों को विश्लेषण एवं विवेचन करता है। यहाँ एकत्रित किए गए तथ्यों का असत्यता का पता लगा तथ्यों घटनाओं एवं विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है तथा इस बात की भी विवेचना करता है कि हम जिस प्रकल्पना को लेके चले थे, जिस अनुमान को हम लेके चले थे, जिस मान्यता को लेके हम चले थे वह सही साबित हो रहा है या गलत साबित हो रहा है। अब इसके बाद अंत में हमारा लास्ट
जो चरण है वह है सामान्यकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करना। शोध का यह अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो अति संक्षिप्त होते हैं। शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करता है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि प्रोफेसर सी आर शाह ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया कि स्कूल से भागने बाल अपराध एवं वयस्क अपराध की दरें नगर के केंद्र से दूरी के विपरीत अनुपात में घटती बढ़ती हैं। यह उनका एक निष्कर्ष था कि स्कूल से भागने बाल अपराध एवं वयस्क अपराध की दरें नगर के केंद्र से दूरी के विपरीत अनुपात में घटती बढ़ती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे नगर के केंद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उसके साथ ही साथ स्कूल से भागने तथा बाल अपराध एवं वयस्क अपराध की दरें भी उतनी ही घटती जाएंगी। किसी नियम का प्रतिपादन या सिद्धांत का निर्माण वैज्ञानिक शोध का सार तत्व है, अतः इसका सुस्पष्ट एवं यथार्थ होना आवश्यक है। समय या परिस्थिति के बदल जाने के साथ साथ पुराने नियमों की पुनः परीक्षा और नए नियमों का प्रतिपादन अनिवार्य हो जाता है। सभी विज्ञानों की प्रगति का यही एक मार्ग है और कोई संक्षिप्त या लघु मार्ग नहीं है। तो ये हमारे सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अंतिम चरण और ये टॉपिक जो है हमारा आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।